Assalamualaikum guys, welcome to Alisha Kadir Vlogs. तो ये व्लॉग वहीं से कंटिन्यू हो रहा है. कंटिन्यू हो रहा है मतलब? हाँ मतलब कल एक स्टोरी आधी रिमेनिंग थी कि मैंने बोला था हम लोग कहीं जा रहे हैं. तो मैं गई थी मेरी मम्मी के घर पर, कादिर को जोश चढ़ाए कहीं जाने का, क्योंकि कादिर जा रहे हैं. कहीं जाने के लिए नहीं, मतलब मम्मी को तुमको ले जाना था. हाँ. तो मैं बोला चल लेकर जाए तुमको वनडे. तो मैं जा रहा हूँ 3-4 दिन बाद बाहर, मे बी 5-6 दिन के लिए. वो 5-6 दिन अलीशा के साथ नहीं रहूंगा मैं. तो कल जाने वाले हो ना? डे आफ्टर टुमारो, एक दिन बाद, एक ट्रिप के बाद. कल जाने वाले हो? कल है. हाँ. जो मैं जगह जा रहा हूँ ना ब्लॉगिंग में करने वाला हूँ, बॉस आज जगह है, मजा आ जाएगी. 3-4 दिन वो ब्लॉग में मैं रहूंगा खाली. 3-4 दिन में सिर्फ एक दिन? क्या एक दिन? एक ही दिन करोगे तुम ब्लॉगिंग? क्यों? हाँ बाकी दिन मैं करने वाली हूँ. चलो मिलके कर लेंगे हम लोग. थोड़ा यहाँ का टेक, थोड़ा वहाँ का टेक, वीडियो कॉल टॉक भी आएगा आपको वो दिन. हाँ बहुत दिनों बाद. यस. तो ऐसा है हम लोग निकले हैं ऑन द वे. मैं अलीशा को एक दिन के लिए किधर ले जा रहा हूँ. नॉर्मल जगह है और अच्छी जगह है, मतलब डेस्टिनेशन मेरे को पसंद है, रुकना भी पसंद है मेरे को वहाँ पे अलीशा के साथ स्पेशली. और शादी के बाद ये सोलो ट्रिप हम लोग दोनों जा रहे हैं. लिटरली गाइस शादी हुई, सबसे हम ज्यादातर सबके साथ फ्रेंड्स के साथ नहीं ट्रिप पे गए. यस हम सोलो गए ही नहीं है, कहीं भी नहीं गए. ट्रिप पे गए थे अजमेर. हां अजमेर गए थे बस, वो भी मेन छट्टी में, वो भी शादी के एक साल बाद. शादी के एक साल बाद और सबसे बड़ी छट्टी थी, हम लोग दोनों छट्टी में थे. उसकी सब मेमोरी सब डिलीट हो गई मेरे मोबाइल के बैकअप में. और इस बार की छट्टी में इंशाल्लाह फिर हम लोग अजमेर होंगे. इंशाल्लाह आप लोग दुआ करो कि हम लोग जाए वहां पर. ख्वाजा जी हम लोग को भी बुला ले वहां पे इंशाल्लाह. तो जा रहे हैं बस, रास्ते में है हम लोग, निकल जा रहे हैं. वो आपको आगे आगे देखने मिलेगा. पर एक चीज ऐसी है, जहाँ जा रहे ना हम लोग ने जब व्लॉगिंग स्टार्ट किए थे तो हम लोग का फर्स्ट डे प्लान वही था. पहला व्लॉग वो था कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं और बीच में वो कैंसिल हो गया था, कुछ मेरे को जाना था घर पे. हाँ, इसलिए अगर आप लोग को याद है हम लोग फर्स्ट व्लॉग में हमने क्या बोले थे कौन सी जगह, तो वो आप लोग कमेंट करके अभी कमेंट करो और बताओ कि वो कौन सी जगह थी जो हम लोग जा रहे थे. पहला व्लॉग था, वीडियो स्टॉप करो, पहली जगह थी है ना. यस यस राइट. तो हम लोग वहाँ होते हुए जाएंगे और आज वो कम्प्लीट हो जाएगा. जो फर्स्ट डे था वो आज का दिन वापस है. मैं तुम लोगों को ये जगह शुरुआत पहले दिन से दिखाना चाह रहा था कि यार ये जगह है मेरी फेवरेट जगह है. ऑन द वे बीच में आती है वो, क्या जगह है, पर आज आपको देखने मिलेगा. मैं दिखाऊंगा वो जगह कादिर की फेवरेट जगह है. तो चलो फिर मिलते हैं डायरेक्ट वही जगह. हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं उडीपी. ये है उडीपी पेट्रोल पंप के एग्जैक्ट बाजू में, यही है. ये कादिर की फेवरेट जगह है उडीपी मुंबई. यस बॉम्बे में भी उडीपी है, बट यहाँ पे जो मसाला डोसा मिलता है ना वेरी टेस्टी. अगर आप लोग आओगे तो जरूर ट्राई करना यहाँ पे. तो हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर. यहाँ स्टॉल्स है बहुत सारे, चॉकलेट स्टॉल, वेफर्स, या फिर अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ पे केक एंड ऑल है. अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे अंदर. ये है उडीपी जहाँ मेरे को आना था सबसे पहले. तो हम लोग आज पहुँचे हैं यहाँ से. हम लोग क्या खाते थे अभी? बहुत टेस्टी होता है गाइस. अगर तुम लोग ये रास्ते से गए और उडीपी देखकर नहीं रुके तो अंडा भी रास्ते का मज़ा ही नहीं है. आगे अभी मैं ऑर्डर करने जा रहा हूँ. हम लोग ने ऑर्डर कर चुके हैं. ऑर्डर यहाँ से करना होता है, बिल यहाँ से लेकर देन यहाँ पे आपको कूपन देना पड़ता है. कूपन है, कूपन जैसा कूपन है, तुमको वहाँ बिल पे करना है. ये कूपन है और अब हम लोग यहाँ से सब जगह, मतलब सब चीज़ का अलग अलग है. महाराष्ट्र है, साउथ इंडियन का साउथ इंडियन पे देने का, सब अलग 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 स्टॉल्स है. तो यहाँ पे अभी हम लोग दे रहे हैं एंड फिर टाइम है थोड़ा, 5 मिनट रुकना पड़ेगा. 5 मिनट के बाद फिर आपको मिलेगा मसाला डोसा, या फिर आपको 5 मिनट मसाला डोसा. तो आ गया है हम लोगों का मसाला डोसा विद चीज़ और मेरी कॉफ़ी. ये है मसाला डोसा विद चीज़. ये है अलीशा. अलीशा हाय. अलीशा हाय. बाय. अलीशा बाय बोल रहे हैं, मतलब वो यहाँ से पैदल घर जाने वाले और मैं आने वाला हूँ. मेरी गाड़ी में आए हो तुम पैदल जाओ. हाँ गाड़ी तो गाइस अलीशा की है, वो बेच देगी तो मैं पैदल हो जाऊँगा. अभी मैं गरीब क्या करूँगा ना. अभी अलीशा का रिव्यू दिखा रहा हूँ. हाँ चलो बताओ जल्दी जल्दी. तुम नहीं खा रहे? बाद में देखता हूँ रिव्यू दूंगा मैं. हाँ
ठंडा लग रहा है। देखो ट्राई करो। ठंडा है, गर्म नहीं बनाया। ऐसा सीधा साधा रिव्यू कौन देता है? आईबार रिव्यू देखे किसको बोलता है उनको बताओ। हाँ अभी घूमेगा कैमरा रिव्यू टाइम। अब उठाएंगे कैसा डोसा थोड़ा सा रुको। अनिशा बताएंगे जरा कैसा। नहीं 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 मैं मेरे हाथ से खाऊंगा। मैं खिलाऊंगा। नहीं नहीं मेरे को क्या पीस खाने का मेरे को मालूम है तो मैं खिलाने नहीं दूंगा। आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हाँ ये लो मेरा रिव्यू है। रिव्यू देखना नहीं मतलब जो है प्रैक्टिकली मेरे से खुद ब खुद होते हैं। नहीं गाइस नहीं, पहला रिव्यू आएगा। ये लिए हमने ढेर सारा डोसा, उस पर बहुत सारी चीज ढेर सारा डोसा के और लगाए अभी ने उसको वटाना और आलू। ओ वाला बाइट तो उस और सांबर के बिना तो बहुत टेस्टी है। सांबर मसाला डोसा बिना चीज का टेस्ट और सांबर की वो खट्टास खट्टास ओहो खट्टास ओहो पाजी खट्टा ना वो तो सांबर नहीं ओ पाजी ओहो ओहो पाजी क्या डोसा है अभी चाय पी खाना पीना हो गया है। क्या बोल रहे हो मेरे लिए क्या लेंगे गाइस? यार स्टॉल देखो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज है। अगर बच्चे लोग को तुमने यार लेके आए तो ये भाईजान की लॉलीपॉप ख़त्म और ये देखो ये बड़े लोग के खाने की चीज़ है वेफर्स। इसमें से मेरा फेवरेट क्या है पता है? ये वाले में टमाटो वाला कुछ नहीं। क्या लिए तुम? ओके मैं डिसाइड करता हूँ क्या लूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं ये लूँ, ये इसलिए लूँ नहीं मैजिक पॉप्स क्योंकि हम लोग दोनों का रिव्यू बाकी है तो मैं लूँगा ये एक कलर ये लो और लो। दोनों स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लूँगा मैं, दोनों का सेम टेस्ट रहेगा। और ये लेके क्या करूँ? किस पे जाना? किस पे? मुंबई जाना है। मेरे पास चार पहिया है, जरूरत नहीं है मेरे को। बिना इलेक्ट्रिक वाली, बिना पेट्रोल वाली, हेलमेट भी नहीं, फ्री। अच्छा ये लिप्स क्यों पकड़े तुमने हाथ में? क्या लिप्स? अरे ये मैं ये दिखा रही थी, मैं किसको पता ये बचपन में मिलता था, ये मेरा फेवरेट। इस तरह ऐसा खोलते लाली लड़कियों की फेवरेट ही होगी ना। लाला जो उन्हें गिफ्ट में मिल गया है माओ का तो लाली लड़की की फेवरेट तो होगी ना। मैं कैसे खाती हूं? बोल रही थी ना जो ये वाली हां पिंक कलर की मिलती है, इस तरह ऐसा ना। बचपन भी क्या बचपन। हाँ तो गाइस आपने अभी जो जगह देखी वो कादरी की फेवरेट थी, अब मैं आपको मेरी जगह बताती हूँ फेवरेट। भैरवी यहाँ से मैं क्या खाती हूँ बताए आपको? जब एक चीज़ सैंडविच मिलती है वो प्लेन ब्रेड होता है और उसके अंदर चीज़ होती है, बट वो जो चीज़ होती है ना मैं लिटरली आप लोगों को बोल रही हूँ खा के मर जाने वाला दिल होता है। नहीं खाना अच्छी बनी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इतना टेस्टी ओहो मजे आ जाए। तो कादिर बाहर जाके आपको बताएंगे कि मैं तो नहीं निकलने नहीं वाली बाहर बाहर है ना कादिर, आप बता देना। हाँ। ठीक है डन। तो मैं निकल गया हूँ गाड़ी से और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे अंदर। ऐसा है कुछ ये फूड स्टॉल, यहाँ पे भी बहुत लोग रुकते चाय पीने। ये चाट कॉर्नर है, ये कुछ ऐसी लोकेशन है। ये सैंडविच यहाँ मिलती है तो मैं देखता हूँ अंकल का है और उनसे पूछ कर सैंडविच लेते। तो ये है वो चीज़ सैंडविच। स्टॉल चेंज हो गया, वो स्टॉल पे नहीं थी वहाँ पे पहले, वहाँ मिलती थी, अब ये नया स्टॉल। ऐसा कुछ स्टॉल है ये सैंडविच का समझे। मैं वहाँ था, वहाँ से मैं यहाँ आया, ये स्टॉल पे मिल रही है वो और ये रही वो सैंडविच चीज़ वाली।
लवली। तो सैंडविच ले लिया हूँ मैंने और वेलकम। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोली थी सैंडविच के बारे में, तो मत करो यार कोई चीज, इसलिए हम लोग कुछ बात कर रहे थे, अच्छे वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ओके, तो हम लोग आए हैं, ऐसे तो मैं नहीं बता सकता कहाँ, पर आप पहले तो देखो ये, यस ये जगह देखो हम लोग कहाँ आए हैं। देख रहे हो, तो जहाँ हम लोग रुकने वाले हैं वो पिकाडिल्स, ये वेज प्योर रेस्टोरेंट है, ये सब आपको दिखाया जाएगा। हाँ, अब आपको पता चलेगा हम लोग कहाँ आए हैं। देख रहे हो कहाँ आए हैं हम लोग, लोनावला। तो मेरी होटल है कुछ यहीं पे, चलो पहुँच के दिखाते हैं। फाइनली गाइस, हम लोग होटल ढूंढ ढूंढ के एक अच्छी मिली गई, हाईलैंड रिजॉर्ट जो ये है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर, देखते हैं कैसा है क्या है और फिर आपसे मिल। पूल भी अच्छा है यहाँ पर, अच्छी। देखते हैं अभी इसका रूम कैसा है। तो हम लोग आ चुके हैं अंदर एंड रूम की डिटेल्स फिल कर रहे हैं कादिर, ऊपर जाएंगे रूम देखेंगे आपको दिखाते। तो गाइस, हम रूम ले चुके हैं और मैं आपको अभी रूम का टूर करवाती हूँ पूरा। तो ये कुछ ऐसा है और ये रहे कादिर। वाओ, आपके आप में अगर कोई साथ में एक्स्ट्रा बसा है तो वहाँ पर सो सकता है, वरना अगर बीवी से झगड़े हो जाए तो हस्बैंड वहाँ सो सकता है। अगर कादिर और मेरे कभी झगड़े हो गए रात में तो मैं वहाँ सुला दूँगी इनको। और ये है वॉशरूम, ऐसा कुछ है, बहुत क्लीन है वॉशरूम कादिर। वाओ, और ये हूँ मैं। व्यू बताओ, व्यू देखो गाइस, व्यू देखो सिर्फ। वाओ 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 वाओ। तो हो चुके हैं हम लोग रेडी और अभी हो गया है ब्रेकफास्ट का टाइम नीचे, तो हम लोग बस जा ही रहे। कादिर तो बहुत ज़्यादा ही लेट तैयार होते हैं, लड़कियों से भी ज़्यादा लेट इनको टाइम लगता है। मैं तो हो भी गई रेडी, चलो अभी जल्दी रेडी। तो बस जा ही रहे हम लोग नीचे, देखते हैं नीचे आज बुफेट में क्या है। नीचे बुफे लगता है ऐसा वो लोगों ने बताया है कि बुफे लगेगा, तो अभी देखते हैं नीचे क्या लगेगा, क्या आपको बताते हैं। आ चुके हैं हम लोग नीचे और गादी अभी ले रहे हैं तो उनके लिए ब्रेकफास्ट। क्या ले रहे हो तुम, वाटरमेलन? अच्छा, पपाया है, यहाँ है पपाया। मैं तो नहीं खाऊंगा, स्प्राउट्स ये भी मैं नहीं खाऊंगा, ये ब्रेड ज़्यादा नहीं, एक से शुरुआत। वो ये है ओनियन उत्तपा जो बहुत स्पाइसी है। ये बहुत टेस्टी होता है ना, और ये है सांभर। हम लोग हमेशा खाते हैं मसाला डोसे की शॉप से और आज यहाँ ट्राई करेंगे। सांभर मेरा फेवरेट। नेक्स्ट छोले भटूरे। ये है छोले एंड दैट इज भटूरा। ये है भटूरा, अब हम क्या करेंगे? पोहा, तुम्हारा फेवरेट ले लो। यहाँ पे है चाय, ये तुम अब बाद में लोगे ना। हाँ, पूरी ले लो।
पोहा खाओगे तुम? तो क्लोज कर दो उसको लेट कर। चाय एवर सेट चाय कॉफी एग 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 ऑमलेट यस एग ऑमलेट चाय ले लो। दिस मच इज इनफ फॉर मी। अभी तुम्हारे लिए नहीं तो अभी देखिए टेस्ट कैसा है। मेरे लिए भी लूँ टेस्ट अगर आपको बता दें। कमल लीच के पानी और फ्रूट्स पोहा एंड सांबर ये सभी लूँ और काजू भी लिए हूँ। ओके डाइट कॉन्शियस नहीं फिर तो अगर इससे शुरुआत करेंगे ओनियन में पत्ता विथ सांबर सही है। बहुत कम जगह पर होने में पता अच्छा होगा और ये बहुत टेस्टी है। तो मैं बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया हम लोग का कम्प्लीट। ईशा से पूछो नाश्ता कैसा था। ईशा यस अभी कुछ ऐसा नाश्ते का सीटिंग अरेंजमेंट है कुछ लोग खा रहे हैं जाएंगे ऊपर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे बोल देखते बाद में वो देखेंगे बाद में।